हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में। और गाइस, आज हम आए हैं मार्स पर मिशन करने। जी हाँ गाइस, मार्स पर हम जीवन की तलाश के लिए आए हैं। और ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर बिल्कुल ही सुनसान है यार। और कहा जाता है मतलब बिल्कुल रियल है कि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैली हुई है, जो कि रेडिएशन बहुत ज़्यादा है यहाँ की। तो इससे क्या होता है कि हमारा शरीर जल सकता है। बट यार, हम तो बिना स्पेस सूट ही आ गए यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, चलता है इतना तो यार, इतना ठीक है। तो हम पहले व्यक्ति हैं तो यहाँ पर आए हैं, हमने झंडा लगा दिया है अपना, ठीक है। ये ग्लो नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया, वाइट वाइट हो गया भाई। हमारा इंडिया का झंडा बनना चाहिए था, ठीक है। तो यार उसका मतलब ठीक नहीं लगा यार, वो मैं बाद में लगा दूंगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यार, मतलब देखो यहाँ का ग्रेविटी भी बिल्कुल कम है धरती के मुकाबले। और कहा जाता है कि ये धरती का छोटा भाई भी कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि धरती से थोड़ा सा ज़्यादा छोटा ही ग्रह मंगल ग्रह, जिसे हम मार्स कहते हैं, ठीक है। तो चलो मार्स पर गाड़ी चला कर देखते हैं, फिर देख क्या देखते हैं, मतलब मज़ा आएगा। देखते हैं क्या मतलब ग्रेविटी में गाड़ी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, क्योंकि यार यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, देख सकते हैं टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे। टाइम अलग हो रहा है, 6 बज रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। धरती पे पता नहीं कितने बज रहे होंगे। तो यहाँ पे सूरज पता नहीं किधर निकला हुआ है, बहुत छोटा दिखता है यहाँ से सूरज। सनसेट भी अभी शाम होने वाली है वैसे, तो मैं इधर से निकलता हूँ। देखते हैं यार, मैं मुझे लगता है यहाँ पे सामने कोई, मतलब कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक माउंट एवरेस्ट है, जो कि धरती से भी बहुत बड़ा है ऊपर, ठीक है। तो मेरे को वो देखना है। एंड अगर पानी है तो भाई यहाँ पर जीवन भी ज़रूर से होगा, तो यार मुझे पानी को ढूंढना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि पानी सामने ही है, देखते हैं पानी वहाँ पे है या नहीं है, या फिर ये मेरा आँखों का धोखा है कि रेगिस्तान में मिराज दिखने लग जाते हैं कभी कभार, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे मेरी गाड़ी है, वो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, तो कोई बात नहीं, ये वैसे भी हैवी गाड़ी है तो इतना तो झेल ही लेगी मास्क पर, ठीक है। तो मैंने मुंह पे वो मास्क पहन रखा है, तो इसलिए मेरे को रेडिएशन नहीं लग पा रहा है इतना, ठीक है। कहीं आप सोचो कि भाई बिना स्पेस सूट कैसे चल रहा है मतलब बंदा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैंने मुंह पे पहन रखा है, जिससे मुझे ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है। और इसका ऑक्सीजन टैंक कहाँ है मेरे को भी पता नहीं, क्योंकि ये बंदा कहाँ रखता है मेरे को ये मालूम नहीं। तो यहाँ पे सनसेट हो चुका है, वो देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा छोटा दिखता है सूरज, लेकिन ठीक ठाक है यार, जीवन के लिए एक बेस्ट ग्रह हो सकता है ये, ठीक है। और हमारा मतलब यहाँ से एक फ़ोटो ले लेते हैं, अच्छा लग रहा है इतना मेरे को, ठीक है। हमारे जो मतलब जो रिचेस्ट पर्सन ने मतलब इलोन मस्क के, वो यहाँ पर आने वाले हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं रियल में, ठीक है। तो इलोन मस्क सभी को लेंगे मार्स पर, और पता नहीं मार्स पर रहेंगे कैसे। यहाँ पर भाई आलू उगा सकते हैं, या फिर मतलब कोई बेसमेंट है, या फिर कोई ऐसे शीशे के अंदर रहना होगा, एक मिरर के अंदर, ताकि मतलब रेडिएशन अंदर ना आ सके, क्योंकि यहाँ पर टाइम लगने वाला है, कई करोड़ों साल लग जाएंगे इस जो ये मतलब वॉर छिड़ी थी ऐसा लगता है जैसे। मतलब यहाँ पर कुछ हड्डियाँ भी मिली है वैसे इनकी ज़मीन के नीचे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि एलियन लोग रहते होंगे पहले, या फिर कोई इंसान ही होंगे जो कि धरती पर चले गए और मार्स पर मतलब पूरा ख़त्म कर दिया उन्होंने, पूरा मतलब पेट्रोल सब ख़त्म करके। अब हो सकता है कि वो कहीं और चले गए हो, तो ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। ये कुछ कहानी बनती है, ये मतलब बहुत पुराने लोगों ने बताया था कि कुछ जी इस पर मार्स पर भी जीवन हुआ करता था, बट अचानक से कहाँ गया जीवन। वह धरती की बिल्कुल मतलब मेसोपोटामिया और हड़प्पा जैसी सभ्यता, जैसी मतलब एक अनसॉल्वड मिस्ट्री बन चुकी है। जैसे वो सभ्यता गायब हुई थी, वैसे यहाँ की सभ्यता भी गायब हो चुकी है। तो सोचने वाली बात है कि यहाँ पर कौन लोग होंगे, और हो सकता है कि यह धरती पर जो मतलब पहला इंसान आया था एडम, ठीक है, वो भी यहाँ पर मतलब इसी मार्स से आया होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले जीवन बताया गया है, ठीक है। और अभी भी रिसर्च चल रही है, और रिसर्च में ये पता चल रहा है कि भाई जीवन यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जीवन होगा, या फिर पहले ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इंसानों ने आपस में लड़कर जीवन ख़त्म कर दिया यहाँ से।
और अब वो धरती पर है, और ये देखो मैं मैप के बाहर आ गया गलती से, ठीक है। तो चलो मैं उतर जाता हूँ इससे। और गाइस आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और अगर आप बैक रूम से रिलेटेड चाहते हो वीडियो तो नीचे लिखो बैक रूम, ठीक है। और यहाँ पे शाम हो चुकी है, अब मेरे को